Welcome to Off the Turf by Bank Alfalah. I am Roha Nadeem and today I am joined by perhaps one of the greatest all-rounders that Pakistan has ever produced. He has played for Pakistan in all three formats and has won Pakistan many games with the bat and ball. Please welcome Abdul Razzaq. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Thank you so much for joining us. Hum pehle aapse puchna chahti hu main kyunki aapne bahut matches jitwaye hain Pakistan ko with the bat and ball. Aapne personally zyada kya enjoy kiya, batting ya bowling? मेरी बैटिंग ज़्यादा अच्छी है या बॉलिंग अच्छी है ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं टाइम जब सिचुएशन के मुताबिक दोनों ही एक जैसी कर लेता हूँ। जहाँ बॉलिंग की ज़रूरत होती है तो वो एज ए बॉलर बन जाता हूँ, या बैटिंग की ज़रूरत होती है तो बैट्समैन बन जाता हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा एज था। चले वनडे की बात करते हैं। कल का मैच जो है वो वॉश आउट हो गया पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। आप मुझे बताएं, आप ड्रेसिंग रूम का हिस्सा रह चुके हैं, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है एक क्रिकेटर के लिए एज अ टीम इवन, कि आपने गेम प्लान रेडी किया होता है और फिर बारिश हो जाती है और फिर मैच अबैंडन हो जाता है? तो देखिए, डिसअपॉइंटमेंट होती है, स्पेशली अगर श्रीलंका जैसी टीम हो तो फिर काफ़ी दुख होता है। अगर ऑस्ट्रेलिया होती या वेस्ट इंडीज़ होती, आजकल तो अच्छा खेल रही है, और दूसरी टीम में अगर इंडिया होती तो फिर तो सारे बड़े खुश होते कि अच्छा हुआ बारिश हो गई। पर श्रीलंका का ये है कि थोड़ा सा पाकिस्तान को डिसअपॉइंटमेंट होगी कि दो पॉइंट जो है हमने लूज़ किए हैं वो बड़े वाइटल हो सकते हैं, और अल्लाह करे कि इसका नौबत ना आए आइंदा मैचों में। अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच जीता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, इंडिया के मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होता है जब बारिश हो रही होती है या मैच के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा होता है, तो क्या एक्टिविटी चल रही होती है, आप लोग क्या कर रहे होते हैं अंदर? सही बात बताऊं कि वैसे बात सही बात बताएं, सही बात यह कि हर प्लेयर चाहता है कि टॉस हो जाए फिर बारिश हो जाए, क्योंकि अच्छा। मैच फीस मिल जाती है तो अगर टॉस ना हो तो वो फिर थोड़ा सा होता है कि यार कि ये मैच अबैंडन हो गया। चले, इट वॉज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कल का गेम जो था वो वॉश आउट हो गया, बिकॉज इट वॉज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेम फॉर बोथ पाकिस्तान एंड श्रीलंका। आप मुझे ये बताएं कि ये कल का अबैंडन जो मैच हो गया, इसका नेट रन रेट पे क्या इफेक्ट होगा? नेट रन रेट में तो इतना ज़्यादा मैं नहीं समझता कि अभी मैचेस बहुत ज़्यादा है, और ठीक है अगर पाकिस्तान 300 या 325 करता और मैच जीता तो एवरेज अच्छी हो जाती, क्योंकि ये वर्ल्ड कप है, इसमें कुछ भी हो सकता है। अगर एवरेज नेट रन रेट पे अगर पाकिस्तान बाहर होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, डिसअपॉइंटमेंट भी हो सकती है। पर बहरहाल एक पॉइंट मिला, पर श्रीलंका के लिए बड़ा एज था कि वो उनकी टीम वो उस तरह नज़र नहीं आ रही, और हल्की टीम के खिलाफ मैच ना होना ये बड़ी टीम को नुकसान होता है। बिल्कुल, रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिस तरह बैंक अल्फला ऑफर कर रहा है किफायत सेविंग्स अकाउंट विद वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न रेट्स इन द मार्केट राइट नाउ ऑफ 11%, एंड जस्ट लाइक इन क्रिकेट वी ऑल वांट द बेस्ट रेट्स इवन विद आवर मनी, सो डू चेक दैट आउट। श्रीलंका हैज़ नॉट बीटन पाकिस्तान इन अ वर्ल्ड कप सिंस 1975। पाकिस्तान का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है श्रीलंका के अगेंस्ट। अगर कल का मैच होता तो कल के मैच में भी आपको लगता है पाकिस्तान ही था फेवरेट? डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट तो है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने विक्ट्री हासिल की है, इससे मोमेंटम बनता है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई होता है, और विलिंग होती है, हर प्लेयर चाहता है कि मैं मैच खेलूँ और परफॉर्म करूँ, और आपको पता होता है कि आपने जीत जाना है। अगला मैच हमारा ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ है 12 जून को, क्या लगता है क्या होगा? प्रेडिक्शन वाइज देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया को ज़्यादा एज है, अगर उनका टीम हमने भी पिछले मैच में देखा कि उनकी डेथ बॉलिंग बहुत स्ट्रांग है, और उनको एक बहुत बुरी पोजीशन से निकाला स्टार्ट की बॉलिंग ने, और वो लोग काफ़ी हद तक जो थे वो दब चुके थे पिछले मैच में, तो लगता है कि पाकिस्तान की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? ओवरऑल देखा जाए ना, साइकोलॉजिकल एज है ऑस्ट्रेलिया को, बिल्कुल, क्योंकि थ्रू आउट पिछले के 15-20 साल से जो क्रिकेट हो रही है, ऑस्ट्रेलिया जो है ना क्रंच मैचेज जीता आ रहा है, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल हो, चाहे वो क्वार्टर फाइनल हो या सेमीफाइनल हो। प्रेशर नहीं लेते वो एज ए टीम, उनके ऊपर आता ही नहीं प्रेशर होता है, पर ये कि एबिलिटी पे भी काफ़ी है, और एक सिस्टम के थ्रू वो आते हैं सारे प्लेयर, और जैसे कि जिस तरह उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को हराया है, हारा हुआ मैच में हारा हुआ मैच, तो ये एक कॉन्फिडेंस बड़ा अच्छा होता है, मोमेंटम इससे डेवलप हो जाता है, और प्लेयरों में जैसे मैंने बात कही जब हारा हुआ मैच आप जीते हैं तो फिर आप में एक नया कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बिल्कुल, और ऑस्ट्रेलिया का एज तो है कि वो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा जीतने के। चलिए इंडिया और पाकिस्तान के मैच की बात करते हैं, आप भी काफ़ी मैचेस खेले हैं इंडिया के साथ, कैसा माहौल होता है टीम का डगआउट में, कैसा प्रेशर ले रहे होते हैं, नींद आ जाती है मैच से पहले, क्योंकि यहाँ फैंस को तो नहीं आती? नहीं, टू बी फ्रैंक, इंडिया के साथ नींद तो नहीं आती, पर ये कि जो कॉन्फिडेंस होता है
जो प्लेयर फील करता है उससे आ जाती है नींद। वन ऑफ द रीजंस के लोग इतना मिस करते हैं आपके एरा को वो ये था कि उस टाइम पे पाकिस्तान जो था वो डोमिनेट करता था इंडिया को, हमारा रिकॉर्ड भी अच्छा था, तो आज कल वो नहीं, स्पेशली वर्ल्ड कप्स में इंडिया के आगे हम लोग बहुत हल्के हो जाते हैं। हाँ नहीं, ओवरऑल देखा है उस वक्त पाकिस्तान की टीम अच्छी थी और नो डाउट इसमें कि पाकिस्तान को काफ़ी कॉन्फिडेंस था कि इंडिया को बीट करने का, बड़ा मज़ा आता था। बिल्कुल। और उस वक्त भी वर्ल्ड कप के मैच हमने हारे हैं उनसे, तो हम ये नहीं कहेंगे हमारे दौर में हम जीते आ रहे हैं, पर ओवरऑल हमारा एज ज़्यादा था, इसलिए इंडिया जो ना उन्होंने विड्रॉ किया, पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने से बंद कर दिए क्योंकि उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। अच्छा, डू यू थिंक कि उस टाइम पे राइवलरी ज़्यादा थी इंडिया के साथ या अब है, या आपके उस टाइम पे दोस्त वगैरह थे इंडियन टीम में, कैसी आपकी रिलेशनशिप कैसा था विद द प्लेयर्स? रिलेशनशिप पाकिस्तान इंडिया ये स्पोर्ट्स है और हर प्लेयर अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। बिल्कुल। और मैं नहीं समझता कि उनके साथ दोस्ती का कोई ऐसा उस वक्त कोई हमारा लिंक था या उनके साथ रिलेशन था। क्रिकेट फर्स्ट थी कि हमने मैच जीतना कैसे है, तो वही वजह थी कि हम उनको बीट करते थे। अब नो डाउट कि आजकल के दौर में इंडिया की टीम बेहतर है, पर फिर भी कौन से ऐसे प्लेयर्स थे इंडिया की टीम में जिनके साथ आपकी थोड़ी अच्छी आपका रिलेशनशिप? देखिए जब ऑफ द फील्ड सहवाग थे, तेंदुलकर थे, युवराज थे, हरभजन सिंह था, जहीर खान थे, इरफान पठान थे, मतलब कि ये ऑफ द फील्ड जब हम डेफिनेटली अगर ट्रेनिंग, जैसे मुझे शौक था अकेले ट्रेनिंग करने का, तो जब ये जिम में आते थे तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन हो जाता था, मुलाकात हो जाती थी, तो वो एक नॉर्मल था। ये नहीं था कि हम उनके साथ बैठे हों या कहीं चाय पे या खाने पे बैठे हों, ऐसा अच्छा। कोई नहीं था। रज़ाक भाई, आपने बहुत मैचेस जितवाए हैं अपने, यू नो, विद द बैट एंड विद द बॉल, काफ़ी मेमोरेबल आपकी काफ़ी इनिंग्स और स्पेल्स रहे हैं। आपका पर्सनल फेवरेट जो है वो कौन सा? मेरा तो आई एम श्योर आप सबको याद होगा 2010 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो 100 था। आप बताएं आपका पर्सनल फेवरेट कोई ऐसा स्पेल या कोई ऐसा नॉक जो आपको बहुत यादगार हो आपके लिए? जो देखिए साउथ अफ्रीका का मैच तो फेवरेट था ही, वो तो बिल्कुल आउटस्टैंडिंग रहा, कुदरती तौर पर अल्लाह ताला की मदद थी और जीत गए, और हर प्लेयर को ऐसा ही सोच रखनी चाहिए। और हॉबार्ट में मैच था इंडिया के साथ, ये तो वहाँ पे हमारे 4-5 आउट हो गए थे और मैं और यूसुफ़, मोहम्मद यूसुफ़, हमारी पार्टनरशिप हुई थी, मैंने 65 के 72 नॉट आउट किया था। तो नॉर्मली मेरा कॉन्सेप्ट था कि जब मैं बैटिंग कर लेता हूँ तो मेरे से बॉलिंग नहीं होती, फिटनेस इशू भी आप कह सकते हैं, हर आर राउंडर के साथ ऐसा ही होता है, क्योंकि मेन आप जब बैटिंग करते हैं आपने हिटिंग करनी होती है, जब आप छक्का मारते हैं तो फोर्स लगती है, एनर्जी लूज़ होती है आपकी। तो मैं उसमें मैच में नॉट आउट रहा और थोड़ी सी इंजरी भी थी, जैसे कि मैंने कहा 99 में भी मैं इंजरी के साथ भी खेलता रहा, तो वो मुझे मैंने परवाह नहीं की, तो मुझे लग रहा था कि मैं बॉलिंग नहीं कर सकता। तो जब मुझे बॉलिंग के लिए वसीम भाई ने कहा तो ना तो मैंने करनी नहीं थी, तो अल्लाह का शुक्र है मैंने 5 आउट किए, तो वो हम मैच भी जीते, मैन द मैच भी बना, तो उस चीज़ से मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, तो वो बड़ा ज़बरदस्त मैच था मेरे लिए। अच्छा, आपने इतनी विकेट्स लिए इंटरनेशनल करियर में अपने, 250 से ज़्यादा आपकी वनडे में है, टेस्ट मैचेस में आपने तकरीबन 100 विकेट्स लिए हैं और T20 में भी, आपकी फेवरेट विकेट कौन सी है जो अभी भी आप याद करते हैं कि वो बहुत प्राइज्ड आपकी एक विकेट हो? ऑस्ट्रेलिया में तेंदुलकर को जो मैंने 2 बार बोल्ड किया था, तो वो बड़ी अच्छी डिलीवरी मेरे लिए अच्छी थी। अब हम बात करते हैं आपका, जब आप खेल रहे थे उस टाइम पे आपका टीम में सबसे बेस्ट बडी कौन था जिसके साथ आपका बहुत अच्छा टाइम गुजरा और अभी तक आप टच में हो? नहीं, शायद अफरीदी के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अच्छा। और हमने 10 साल इकट्ठी क्रिकेट खेली है, इकट्ठे रहे हैं, इकट्ठे खाना पीना हर चीज़। तो उसके बाद शुएब अख्तर, क्योंकि हम 97-98 में जो ए टीम थी, तो शुएब अख्तर मेरे रूममेट थे पहले, तो फिर उसके बाद जब पाकिस्तान टीम में आ गए, दोस्ती तो उस वक्त भी थी पर फिर शायद अफरीदी के साथ ज़्यादा। चले ऑलराउंडर्स की बात करते हैं, बहुत लोग, बहुत आपके जो फैंस हैं वो ये कहते हैं कि हमें आपके जैसा ऑलराउंडर नहीं मिला दोबारा से, तो इस वक्त पहले तो मुझे ये बताएं दुनिया में इंटरनेशनली आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन सा है इस वक्त? जिस तरह मैं हिटिंग करता था वो अब इंडिया के पांडे हैं, तो थोड़ी सी मुझे झलक नज़र आती है। और एंड्रू रसल, मतलब कि वो थोड़ा सा, वो अगर उनसे पूछा जाए, एंड्रू रसल और समी ने भी स्टेटमेंट दी थी PSL के दौरान कि हमने अब्दुल रज़ाक से सीखा है कि किस तरह ये हिटिंग करता था। तो मैंने जब उससे पूछा तो मैंने कहा, तो उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो मैंने सच है मैंने बोला। तो हिटिंग
मेन होती है स्ट्रेट, सीधा खेलने वाला जो होता है ना वो ज़्यादा कामयाब होता है। इसके लिए आपको बड़ी पावर भी चाहिए, आपकी आई सेट भी चाहिए और ब्रेव भी होना पड़ता है। पाकिस्तान की टीम में आपको क्या लगता है, हु कैन बी द नेक्स्ट अब्दुल रज़ाक? देखिए ये कुदरती चीज़ है, इसमें डेवलप करना पड़ता है। इस वक्त कौन सा आपको प्लेयर लग रहा है जो उसके करीब हो? बिल्कुल अभी इसमें देखे कुछ नज़र तो नहीं आ रही, क्योंकि हिटिंग जिस तरह हम करते थे या विकेट पे स्टे कर लेना, मैच की सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को ढाल लेना, वो चीज़ नज़र नहीं आ रही। चले बात करते हैं वर्ल्ड कप की। आप मुझे बताएं आपकी टॉप फोर, बिकॉज अब एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया है मैचेस को, सब टीम्स को हमने देख लिया खेलते हुए, टॉप फोर बताएँ अब्दुल रज़ाक की, टॉप फोर कौन सी हैं? देखे जिस तरह का मैंने ओवरऑल स्टैंडर्ड देखा है, इसमें मुझे जो नज़र आ रहा है वेस्ट इंडीज़, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, ये चांस लग रहे हैं इनका। चलें ये थे अब्दुल रज़ाक के टॉप फोर। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट गुरु, वी हैव मज़र अर्शद फ्रॉम इंग्लैंड विद सम नंबर्स ऑन द वॉश्ड आउट गेम। एक वॉश आउट मैच से स्टैट्स निकालना बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान श्रीलंका के साथ कभी भी वर्ल्ड कप में मैच नहीं हारा था, 7 मैचेस हुए थे जो कि पाकिस्तान 7 जीता हुआ था, और अभी भी अगर हम रिसेंट परफॉर्मेंस की बात करें पाकिस्तान की और श्रीलंका की, तो लगता ये था कि पाकिस्तान का जो पलड़ा है वो भारी है और पाकिस्तान एक इजी विन जो है वो ले सकता था। लेकिन ये है कि बारिश की वजह से मैच वॉश आउट हो गया, एक अनयूजुअल सी चीज़ है। नॉर्मली वॉश आउट्स जो हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते, इवन के कई लोग ये बात करते हैं जी कि इंग्लैंड में क्रिकेट में जो है बहुत ज़्यादा हमें वॉश आउट्स देखने को मिलते हैं, तो फैक्चुअली ये बात कोई इतनी ठीक नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड में 5 वर्ल्ड कप हो चुके हैं, ये 5वां वर्ल्ड कप हो रहा है इंग्लैंड में, और इस इंटायर हिस्ट्री में वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में जो कि इंग्लैंड में मैचेस हुए हैं, सिर्फ 3 मैचेस जो हैं वो वॉश आउट हुए हैं। तो एक मेरा ख्याल है कि एक अनयूजुअल सी चीज़ थी, और दोनों टीम्स चाहती थी कि वो खेलें और उनको जो है 2 पॉइंट्स मिलें, लेकिन मेरा ख्याल है कि एट एंड ऑफ द डे दोनों टीमों में को ये भी एक थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होगी कि कम से कम उन्होंने पॉइंट्स टोटली जो है वो पॉइंट्स को जो है कंसीड नहीं किया, एक एक पॉइंट दोनों टीम्स को मिल गया है। और अब अगला मैच पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ है बुध को टाउनटन में, और अब देखना होगा कि पाकिस्तान उस मैच में कैसे परफॉर्म करते हैं। हैट्स ऑफ टू मज़र फॉर पुलिंग आउट नंबर्स फ्रॉम अ वॉश्ड आउट गेम। काफ़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक फैक्ट बताया कि अभी तक जो 5 वर्ल्ड कप्स हुए हैं इंग्लैंड में, उनमें सिर्फ 3, ये तीसरा मैच था जो कम्प्लीटली वॉश आउट हो गया था बारिश की वजह से, सो नॉट अ वेरी बैड स्टैट ओवर देयर। चलते हैं अगले सेगमेंट में, ट्विटर कोर्ट यार्ड। अ लॉट ऑफ फैंस वर रियली अपसेट इंक्लूडिंग माई सेल्फ कि कल मैच नहीं हो सका, तो आइए देखते हैं कि बेस्ट रिएक्शंस क्या थे ऑन ट्विटर। पहली ट्वीट देखते हैं, दैट्स नॉट गुड फॉर द स्पोर्ट, ICC शुड हैव अल्टरनेटिव डेज फॉर द वॉश्ड आउट गेम, सजेशन दी है सऊद ने ICC को। चले अगली ट्वीट देखते हैं, विच ऑफ द 3 इज मोर अनप्रिडिक्टेबल, श्रीलंका, पाकिस्तान और इंग्लिश वेदर? अनप्रिडिक्टेबल, वैसे हमें पता था काफ़ी देर से कि कल का मैच जो है वो वॉश आउट होने वाला है, तो नॉट टू अनप्रिडिक्टेबल ओवर देयर, बट स्टिल राइट। नेक्स्ट ट्वीट, पाकिस्तान won the toss and decided to swim first. ये अगर कल कोई टॉस जीतता तो यही आई थिंक पहला ऑप्शन होता सबके पास। अगली ट्वीट दिखाएं, In 1992 पाकिस्तान lost the first match, won the second and third was washed of course. मतलब washed off. History is repeating itself. Watch out for Pakistan. इसके बारे में क्या कहेंगे आप? तीसरा मैच वॉश आउट हुआ था 92 में भी, लेकिन वो तो मुश्किल मैच था ना? काफ़ी 2-3 दिन से ये चल रहा है, और उस वक्त इमरान खान थे कप्तान। तो देखे जैसे हमने पहले कहा कि लकली अगर आप कुदरती तौर पे मोमेंटम पाकिस्तान की फेवर में आता है तो दुनिया की 100 टीमें भी हो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, कुदरत के ऊपर हम लोग इस वक्त बहुत। अगली ट्वीट दिखाएं, इट हर्ट्स मोर देन अ ब्रेकअप, मैच हैज बीन अबैंडन, ट्रू दैट, इट हर्ट्स, इट रियली हर्ट्स। चले अगली ट्वीट दिखाएं, That's how you dry up a cricket field. ये हमसे सीख रहे हैं कुछ, एक आदत जुगाड़ हमने लगाया था PSL में, तो ICC should definitely take notes on that. That was Twitter courtyard, and now we'll move on to our last segment. My gut says. हमने आपसे ये पूछा कि should ICC have reserved days for abandoned matches in global tournaments? 89% of you have said yes, ये बहुत ज़रूरी है, and 11% of you have said no, ये इतना ज़रूरी नहीं है। रज़ाक भाई आपका क्या ओपिनियन है इस पर कि रिजर्व डे होने चाहिए हर मैच के लिए जो वॉश आउट हो जाए? देखिए वर्ल्ड कप है, इसमें इतने ज़्यादा रूल्स बन चुके हैं, और
पास्ट में मैंने सुना है कि इस तरह था कोई रिजर्व डे था और वो अभी सेमीफाइनल और फाइनल के लिए हमारे पास है रिजर्व डेज। हाँ वो उसमें टाइम शॉर्ट हो जाता है क्योंकि सिलेक्टेड टीमें रह जाती हैं, तो अब ये कि अगर इस तरह करेंगे तो ये हो सकता है फिर दो या ढाई महीने को टच करें तो एक्सपेंसिव और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसको भी देखना पड़ता है। बिल्कुल। पर ये कि अभी राउंड के मैचेस है इसमें बारिश होती है तो मैं समझता हूँ बड़ा ठीक है अभी फिलहाल। आई थिंक ठीक है क्योंकि एक एक टीम को, हर टीम को एक एक पॉइंट मिल जाता है और इस तरह फिर वी मूव फॉरवर्ड विद द टूर्नामेंट। दिस वॉज ऑफ द टर्फ बाय बैंक अल्फला and we'll be back for the next episode. Hopefully we'll have a great game against Australia. So aapse mulaqat tab karenge. Thank you so much for watching. Fast bowlers kafi jazbati hote hain, har waqt sirf wicket lene ka sochte hain, lekin ek acche fast bowler ka kaam sirf wicket lena nahi balki sahi waqt par wickets lekar match bachana hai, kabhi in swinging yorkers ke sath to kabhi bouncers ke sath. तो मेरी तरह करो सही टाइम पे सही फैसले, सेव विद बैंक अल्फला किफायत सेविंग्स अकाउंट और जीतो जिंदगी का हर मैच। 11% तक का बेहतरीन रिटर्न ऑन सेविंग्स, हर माह मुनाफा, डेबिट कार्ड, चेकबुक, अल्फा और ऑबिट्स, इसके अलावा ढेरों फायदे। बैंक अल्फला किफायत सेविंग्स अकाउंट। बैंक अल्फला, द वे फॉरवर्ड।